क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बीओ ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। वेल जनूबी अफ्रीकी कप्तान फाफ डू प्लेसी ने 2017 में अपने दौरा पाकिस्तान के दौरान स्कोटी को शानदार करार दिया। एक इंटरव्यू के दौरान फाफ डू प्लेसी का कहना था कि वर्ल्ड 11 के साथ पाकिस्तान सफर करने से पहले जहन में बहुत सवाल थे, मगर वहां सब ठीक था। बतौर वर्ल्ड 11 कप्तान दौरा पाकिस्तान महफूज और स्कोटी शानदार थी। जाती हैसियत मैंने दौरा पाकिस्तान में शानदार स्कोटी देखी, छतों पर स्नाइपर तैनात थे, जबकि हमारी स्कोटी हॉलीवुड फिल्मों जैसी लगी। हमने चेहरों पर मास्क चढ़ाकर इस स्कोटी को महसूस भी किया। वेल्स इस मौके पर बरतानवी कमेंटेटर काउंटी के साबिक कप्तान मार्क निकोलस का कहना था कि हम सब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबले देखना चाहते हैं, जबकि लाहौर और कराची में टेस्ट क्रिकेट ना होने पर हम सबको फिक्र है। वेल्स मार्क निकोलस ने मीजा से सवाल किया कि इमरान खान के आने से क्रिकेट बहाली के इम्कान कितने हैं। मीजा का कहना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की फिक्र इमरान खान को भी है। वर्ल्ड 11 पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है और उसकी शानदार स्कोटी इंतजाम सबने देख लिए है। वेल्स रमीज राजा का मजीद कहना था कि रवा साल पाकिस्तान सुपर लीग के 8 मैचेस लाहौर और कराची में करवा रहे हैं और उसके बाद हम इंटरनेशनल क्रिकेट की री लॉन्चिंग का फैसला करेंगे। सुपर लीग मैचेस के बाद फैसला होगा इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी कितनी दूर रह गई है। रमीज राजा का मजीद कहना था कि असद शफीक ने अपने करियर में 70 के करीब टेस्ट खेल लिए हैं लेकिन पाकिस्तान में एक भी नहीं खेला। ऐसी सूरत हाल खिलाड़ियों और क्रिकेट फैंस के लिए बहुत तकलीफ देह है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।